चलिए ध्यान दीजिएगा, आज से जो है हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं। अब आप लोगों में से तमाम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि करंट अफेयर्स और ये जो बोलते हैं रीजनिंग की क्लास कब शुरू होगी, तो आपको बता दें कि ये दोनों क्लासें बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आज के इतिहास को पढ़ते हैं, चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम आधुनिक भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटे हैं, इसके टोटल 3 चरण हैं। अब वो 3 चरण किस प्रकार से विभाजित हैं आप ये सिलेबस से समझ सकते हैं। सबसे पहले जो है हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ना संविधान में हम एक चीज बताए थे, क्रांति के पहले भारत में शासन की है कंपनी, और क्रांति के बाद भारत में कौन शासन करेगी? सरकार। आप मेरी बात को समझिएगा, जब 1857 की क्रांति हुई उसके ठीक पहले या क्रांति तक भारत में इंग्लैंड की एक कंपनी शासन कर रही थी। यह सब चीजें जो है संविधान में हम पढ़ा चुके हैं, और आप संविधान या सिलेबस को समझ लेंगे तो यहां आपको समझना और आसान रहेगा, ठीक है ना। तो जब 1857 की क्रांति हुई वह किसके खिलाफ हुई थी? आप कहेंगे एक कंपनी के खिलाफ हुई थी, क्योंकि निजीकरण में जो है ना जो है लोगों का क्या बोलते हैं शोषण बहुत ज्यादा होता है। तो उस समय ये कंपनी लोगों को दबा करके उनसे मुनाफा लेना, उनसे जबरदस्ती काम कराना, ये तमाम चीजें चल रही थी इस कंपनी द्वारा। अंत में धर्म से लेकर के हर मामले में हस्तक्षेप करने के बाद लोगों ने एकदम खुला विद्रोह कर दिया, पूरे तरीके से करो या मरो वाली स्थिति बन गई। तमाम पूरे भारत में मार काट जम करके चली है। लोग कहते हैं ना कि ये जो ऐतिहासिक क्रांति है, ये जो विद्रोह है, ये उत्तर भारत तक ही था, जबकि यह विद्रोह पूरे भारत में फैला था। यह विद्रोह पूरे भारत में फैला था, खास करके उत्तर भारत में बहुत ज्यादा घटनाएं हुई थी, इस वजह से ऐसा कहा जाता है। हम क्रांति को पढ़ रहे हैं, देखिए आप जानते हैं 1857 में क्रांति हुई है, 1858 में सरकार आ जाती है। तो ये लगभग जो घटनाएं हैं मान करके चलिए साल भर से कम की हैं, 1 साल से कम महीनों का इतिहास हमें आज पढ़ना है इस क्रांति के माध्यम से, ठीक है ना। आइए हम पढ़ते हैं। देखिए दिसंबर 1856 की बात हम कर रहे हैं, दिसंबर 1856 में हमारे भारत में पहली बार एक नई कारतूस लगी राइफल प्रयोग की गई, जिसमें यह मतलब एक अवधारणा फैल गई, एक भ्रांति फैल गई कि यह चर्बी युक्त कारतूस है। ये जो राइफल है इसका कारतूस कैसा बना हुआ है? चर्बी का बना हुआ है, मतलब चर्बी से लगा हुआ है, उसमें उसके संपर्क में चर्बी है जो कि सीधे सीधे धर्म से जुड़ी हुई थी। तो ये घटनाएं तो आपको बखूबी पता है, हर चैनल यही बताता है कि नहीं चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग की वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था। विद्रोह के तो कुल कई कारण थे, वो तो वर्षों से जो चला आ रहा था वो तमाम कारण थे, वो तो अलग चीजें हैं। पहले हम समझते हैं दिसंबर 1856 में कारतूसों से चलने वाली जो ये एनफील्ड राइफल है इसको भारत में लाया गया और यह सेना को दे दी गई। कब दे दी गई? दिसंबर 1856 में। प्रश्न देखिए, आपको इतने प्रश्न मिलेंगे ना कि जो कि आपको परीक्षा वाणी और घटना चक्र छोड़ करके जल्दी किसी बुक में इतने कंटेंट नहीं मिलेंगे। हर नो ये इतिहास के नोट्स को हम डेली टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते रहेंगे, आप वहां से नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है ना। तो भाई जब दिसंबर 1856 में राइफल शामिल हो गई तो एकाक महीना तक सैनिकों के पास फैली, हर सैनिक को एकाक महीने दी गई। तो जब एकाक महीने में इसका विस्तार हो गया तो जानते हैं कारतूस का प्रयोग करते वक्त सैनिकों को दुर्गंध आती थी। अब उसमें से कुछ सैनिकों ने इसके प्रयोग करने से मना करने लगा, कुछ सैनिक ऐसे थे जो कि इसके प्रयोग से मना करने लगे। तो बात आती है कि इस क्रांति की शुरुआत हुई कहां से। आप जो ये 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं इतना तो आप जान गए कि दिसंबर 1856 में ये कारतूस वाली राइफल लाई गई थी जो चर्बी वाली कारतूस से युक्त थी। तो दिसंबर में लाई गई, जनवरी में विरोध हुआ। जनवरी जो ये है 23 जनवरी है। कुछ लोगों को क्या होगा ना कि यहां तमाम डेट लिखे हुए हैं, ये बहुत से आपको डेट मिलेंगे।
तो जनरली देखिए हम इस तरीके से बताएंगे ना कि आपको एक भी डेट याद करने की जरूरत नहीं है, आप पेशेंस रख के हमारी बातों को सुनते रहिए। अगर हमारी बातों को सुन रहे हैं यकीन मानिए, जब इस कहानी में आप घुसने शुरू करेंगे, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो जब उस मूवी को ध्यान से देखते हैं ना, तो उसकी घटनाओं को कहानियों को हम समझते हैं और तब जाकर के हमें आगे मजा आता है। आप आए हैं देखने क्लास, एकदम ऊपर मन से देख रहे हैं हल्का फुल्का, तो यकीन मानिए आप इग्नोर करके हट जाएंगे। और आप यदि ऐसा करते हैं तो सबसे बड़ी गलती आप अपने आप के साथ करेंगे। बस एक बार पढ़िए आप। सब लोग जानते हैं कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है। सबको यह भी पता होगा कि वह पश्चिम बंगाल से संबंधित थे, जो हमारे 1857 की क्रांति में राइफल को प्रयोग करने से जो इनकार किया जाने लगा वो सुभाष चंद्र बोस की जयंती से ही शुरू हुआ है। अब आप लोगों के दिमाग में आ गया कि सुभाष चंद्र बोस जी उस समय पैदा नहीं हुए थे। भाई बात सही है, उस समय पैदा नहीं हुए थे, मगर आज के समय में आप इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो क्रांति में राइफल कब आई और उसके बाद इसका विद्रोह कैसे शुरू हुआ और हर डेट को आपको याद करना है। ये विद्रोह जो है ना पश्चिम बंगाल से ही शुरू हुआ है। सुभाष चंद्र बोस भी पश्चिम बंगाल के थे, यह विद्रोह भी पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो है 23 जनवरी को मनाई जाती है, यह विद्रोह भी जो है 23 जनवरी से लगभग लगभग शुरू हुआ है। जानते हैं क्या हुआ था? पश्चिम बंगाल में एक दमदम नामक स्थान है, जैसे हर जगह रामपुर होता है, बनारस है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, बिहार है, पटना है, हरियाणा है, तमाम जगह होते हैं ना, वैसे ही आपके दमदम नामक स्थान पर, दमदम में जो सैनिकों की टुकड़ी थी उस टुकड़ी ने इस राइफल को प्रयोग करने से सबसे पहले मना किया था। बंगाल के पास जो दमदम नामक स्थान है वहां पर जो सैनिक थे उन्होंने सबसे पहले इसके कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया। अब आप मेरी बात को समझे कि सबसे पहले कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कहां किया गया था? तो बंगाल में। जानते हैं ये दमदम कलकत्ता और मुर्शिदाबाद, दमदम कलकत्ता और मुर्शिदाबाद तीनों पश्चिम बंगाल के ही समीप हैं, है कि नहीं? और यदि आपको डेट याद करना हो तो पहला 23 जनवरी है, उसमें आप तीन तीन जोड़ते जाइए। 23 में तीन जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 26, 26 में तीन जोड़ेंगे तो क्या होगा 29। और दूसरी बात, दिसंबर में राइफल शामिल हुई है, जनवरी में पहला विद्रोह, फरवरी में दूसरा विद्रोह और मार्च में मंगल पांडे उड़ाका दल की तरह दो लोग को उड़ा दिए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्रांति के शुरुआती चार महीने और चार घटनाएं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? दिसंबर में राइफल आई, जनवरी में दमदम में विद्रोह हुआ, कहां पर हुआ? दमदम में। 23-3-26, 26 फरवरी को कलकत्ता में और 26-3-29 मार्च को मुर्शिदाबाद में। तो ये तीन स्थान है जहां पर कि विद्रोह की शुरुआत लगभग हो चुकी थी। तो आपके दमदम के सैनिकों ने प्रयोग करने से मना कर दिया, पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद लगभग एक महीने के बाद, जैसे होता है ना, पहले के समय में ऐसा तो नहीं था कि बहुत गाड़ी मोटर थी कि तुरंत राइफल पहुंच जाए पूरे भारत में, तो धीरे धीरे ये क्रम चलता रहता था कि आज कलकत्ता में दमदम में आई है तो कल कलकत्ता में जाएगी, एक आध महीना बाद, एक आध महीना बाद हो सकता है बहरामपुर मुर्शिदाबाद जाए। तो ऐसे लगभग धीरे धीरे राइफलों को बांटा जा रहा था और जहां जहां राइफल पहुंच रही थी, कारतूस इसके जहां जहां पहुंच रहे थे वहां वहां विवाद बढ़ता जा रहा था। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? देखिए ये जो पहला क्लास है, इस पहले क्लास में हम कड़ियों को जोड़ेंगे और एक बार यदि आप कड़ियों को समझना समझ गए, मतलब समझने का तरीका आप जान गए, तो यकीन मानिए आगे के जो भी आएंगे चैप्टर ना, वो नॉर्मली कम समय में खत्म होंगे और अच्छा खासा आप उसको समझते भी लेके चलेंगे। बस आप समझते चलिए। कलकत्ता का जो ये बहरामपुर है, यहां के 19वीं बटालियन, दूसरा जो इनकार किया गया है 19वीं बटालियन कलकत्ता में जो थी सैनिकों की, उसने भी कारतूस के प्रयोग करने से मना कर दिया। अब आप मेरी बात समझे, पहला विद्रोह जो था दमदम में था जहां पर सैनिकों ने इस कारतूस को प्रयोग करने से मना किया था, दूसरा उसके बाद राजधानी कलकत्ता, कलकत्ता में भी 19वीं बटालियन ने मना कर दिया।
अभी तो मना कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होता है ना, जब सैनिक विद्रोह करते हैं तो पहले शुरू में नाक नुक करते हैं कि अरे छोड़ो हटाओ यार ये सब गलत चीज है, तब हम मतलब पहले लोग क्या करते हैं, पेशेंस रख के समझाते हैं, मना करते हैं, अपना भाव जताते हैं, और जब उसके बावजूद सामने वाला नहीं मानता है ना, तब उसको पड़ाका मारते हैं, तब वो तमाचा खाता है, तो फिर उसके बाद भाई बात आगे बढ़ जाती है। यही चीज हुआ है मुर्शिदाबाद के बैरकपुर छावनी की बात हम कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद के बैरकपुर छावनी में हमारे पंडित जी थे, अब ये ब्राह्मण थे चूंकि, और उनको चर्बी उर्बी का ये सब अहक महक आएगा, तो भाई आप जानते हैं, एक तो ब्राह्मण, ऊपर से 1857 का समय चल रहा है, और तीसरी बात आप अरबी चर्बी लगा हुआ उनको थमा दिए प्रयोग करने से, मामला गरमाएगा कि नहीं गरमाएगा। तो जानते हैं ये आपके मंगल पांडे जी ने विद्रोह भी किया, सैनिकों को भड़काया भी, और दो लोग को उड़ाया भी, दो ही लोग को गोली मार दिए, उसमें से हारूसन बच गया था, और जो बाघ थे बगीचे में दफन हो गए थे। समझिएगा, ये 34वीं रेजिमेंट के जो सैनिक मंगल पांडे थे, चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से मना कर दिए। भाई ठीक है, सब लोग मना करते आ रहे थे, यह भी मना कर दिए, तो ये जो थे ना अकेले मना किए थे। अब अकेले मना तो कर दिए भाई, अकेले मना करेंगे तो सजा होगी, होगी कि नहीं होगी, तो इनको सजा सुनाया गया होगा। अब सजा मिली होगी तो दो लोग पकड़ने गए होंगे, दो चार लोग अब पकड़ने गए होंगे, तो ये राइफल हाथ में लिए इतने धीरे से अपना दगदगाना शुरू कर दिए। अब राइफल से तुरंत दो अंग्रेज अधिकारियों पर फायर कर दिए। जब दो अंग्रेज अधिकारियों पर फायर किए, उनमें से एक बच गया, एक बच गया और दूसरा मर गया। यहां से आपको अंग्रेजों का डाटा मिलना शुरू हो जाएगा कि कब अंग्रेज कौन कौन से आए हैं। देखिए क्या है, ये जो आपका सार्जेंट हारूसन है और लेफ्टिनेंट बाग, लेफ्टिनेंट बाग तो बगीचे में दफन हो गया, भाई ईसाई धर्म के लोग थे और ईसाई धर्म वालों को जानते हैं आप, ताबूत में दफनाया जाता है, तो इन बाघ को बगीचे में दफना दिए यानी कि गोली मार दिए, तो ये मर गए। पहला वाला तो मर गया, और जो हारूसन है दूसरका वाला है ना, ये दूसरका वाला अपनी जिंदगी से हरबे नहीं किया, ये बच गया, ये हरामपुर बच के भाग गया। हारूसन अपनी जिंदगी से हारा नहीं, ये बच गया, और वो बाघ जो है बगीचे में दफन हो गया। तो ये जो दोनों नाम है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 34वीं बटालियन से मंगल पांडे संबंधित थे, बैरकपुर छावनी से संबंधित थे, इसके पहले जो विद्रोह की थी 19वीं बटालियन, वह विद्रोह कहां से की थी, आप कहेंगे कलकत्ता से। विद्रोह का क्रम कैसे चल रहा है, देखिए 1857 की क्रांति मात्र 12 महीने से कम की है, 12 महीने से ज्यादा नहीं चली है लगभग में, तो आपको इस क्रांति को जो है ना एक चरण के हिसाब से जब जोड़ करके हम कंटेंट को बताएंगे, तो यकीन मानिए पूरी घटनाएं आप ना एकदम बखूबी छनते हुए आपको ये घटनाएं हर तरीके से याद हो जाएंगी, और आप 100% कोई भी प्रश्न आए, जो भी टॉपिक हम बताएंगे, यकीन मानिए आप पूरा का पूरा प्रश्न अटेंड करेंगे, काफी अच्छे से करेंगे। अब इसके बाद यदि आपको जो बुक हम बताए हैं उन बुकों को फॉलो करेंगे, यकीन मानिए कहते हैं ना नहला पे दहला, वही स्थिति बनेगी, आप एकदम बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। ये जो मंगल पांडे लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दिया, ये मर गया, सार्जेंट हारूसन जो है बच करके भाग गया। भाई ये तो आपके जो है 29 मार्च को ऐसा काम किए थे मंगल पांडे, मार्च का लगभग अंतिम महीने का, मतलब मार्च का लगभग अंतिम समय चल रहा है, ये मार करके भाग गए, तो भाई अंग्रेजों से आप कितना बच के भागेंगे, एक अंग्रेज अधिकारी को आप मार देंगे, पूरे भारत में अंग्रेजी सत्ता है, कहां कहां आप बच के भागेंगे। उस समय यह तो नहीं था कि बाइक लेकर के तनके में निकल जाएंगे 50 किलोमीटर, 2 घंटा चले का पता 50 किलोमीटर है, ये तो था नहीं उस समय, बड़ा करते इधर पैदल यहां वहां गांव इधर उधर छूटते रहते, तो कहीं ना कहीं से तो पकड़े जाते हैं। लगभग 8-10 दिनों के बाद ये पकड़ लिए गए, और इनको 8 अप्रैल को फांसी हो गई, इनको जो है ना 8 अप्रैल को क्या कर देगी, फांसी दे दी गई। 29 मार्च को गोली मारे, 8-10 दिन के बाद इनको फांसी पर लटका दिया गया। सबसे बड़ी बात, ये जो 34वीं बटालियन इनकी थी उसको क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। इनकी जो 34वीं बटालियन के जो सैनिक थे सबको नौकरी से हटा करके इस पूरी बटालियन को समाप्त कर दिया गया, ये बटालियन अब समाप्त हो गई, मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई। अब क्या हुआ कि ये घटना पहुंच गई उत्तर प्रदेश,
ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद वाली जो ये बैरकपुर छावनी वाली घटना है, ये पश्चिम बंगाल वाली घटना कहां पहुंच गई? उत्तर प्रदेश। बाकी आप यूपी के इतिहास को जब पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, पूरी क्रांति जो है ना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में ही घूमती रह गई है। जो सबसे ज्यादा विद्रोह है ना वो उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं, बाकी पूरे भारत में जगह जगह हुए हैं जिनका अंग्रेजों ने दमन कर दिया है, मगर यहां दमन करने में ना उनको बाबा याद आ गए। इतना आसान नहीं था कि वो यहां दमन कर दें। अब ये घटना मेरठ पहुंच गई, मेरठ पहुंची तो देखिए क्या होता है, आपको बताते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। ये घटना जब मेरठ पहुंची तो मेरठ में क्या हुआ? अब जैसे हम आपको यूपी जीके पढ़ाते हैं तो आपको हम बताते हैं कि देखिए ये लगभग में आपका यूपी है, ये ललितपुर हो गया, ये आपका लगभग में यूपी है। अब आप सोच रहे हो कि मेरठ कहां है, दिमाग लगाइए। देखिए यहां पर जो है ना दिल्ली है, यहां कौन सी राजधानी है? हमारी राजधानी यहां पर दिल्ली है बगल में, और यही आपका पड़ता है बीच में मेरठ। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर आपका मेरठ पड़ता है। तो ये जो घटना यहां बंगाल वाली घटना थी, ये जो बंगाल वाली घटना थी कहां पहुंच गई? मेरठ पहुंच गई। अब एक प्रश्न आता है, ये जो मंगल पांडे थे जिनको गोली मार दिया गया था, अंग्रेजों द्वारा विद्रोह में मरने वाले पहले भारतीय सैनिक थे, तो ये आखिर कहां के थे? बंगाल में नौकरी कर रहे थे, तो ये पैदा कहां हुए थे? हम ऑप्शन में देते गाजीपुर, और आप खोजेंगे बलिया, क्योंकि आप हर बुक में क्या पढ़े हैं, बलिया, तो आप 100% बलिया ही टिक करेंगे। देखिए दो तरह से प्रश्न आता है, पहले जो ये गाजीपुर था ना इतना बड़ा था, पहले गाजीपुर ज्यादा बड़ा था, तो मंगल पांडे उस समय जो है ना गाजीपुर के थे, उस समय इसको गाजीपुर के नाम से जाना जाता था। अब बाद में क्या होगा कि इतना काट करके ये बना दिया गया बलिया। अब एक बात बताइए, जब मंगल पांडे यहां पैदा हुए हैं बीच में, यही चला गया बलिया में, तो आज के हिसाब से वो बलिया में पैदा हुए और तब के हिसाब से गाजीपुर में पैदा हुए? ये प्रश्न आपको जैसा मिल जाए आप वैसा करेंगे, इन दोनों बातों को आप जानते रहिए। इतिहास को बस आप नॉर्मली जो है ना दो चार चैप्टर तक देखते चलिए, जब आप कहानियों को समझ जाएंगे ना तब उसके बाद तो एक फिल्म शुरू हो जाएगी, एक मूवी शुरू हो जाएगी, और उस मूवी को आप ऐसे देखेंगे ना कि ये कहानियां, ये कंटेंट, ये इतिहास आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं, आप दूसरे को बता सकते हैं। हम आपको इस काबिल बना करके यहां से जाएंगे ना, यकीन करिए आप इतिहास एक बार बस पढ़िएगा, या जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं आप 100% उन्हें पढ़ लीजिए, इसमें आपका बहुत बड़ा ही फायदा है। यदि आप यूट्यूब पर पढ़ाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि नौकरी मिल जाए, और हमारी क्लास करते वक्त आपको लगा कि नहीं ये तो उम्र में कम लग रहा है, पता नहीं कैसा पढ़ाएगा कैसा नहीं पढ़ाएगा, तो एक बात बता दें आपको, 26-27 साल उम्र वाले जो होते हैं ना उनका आता पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं, जब ये मंगल पांडे को फांसी हो गई, ये घटना पहुंच गई मेरठ, तो मेरठ में क्या हुआ? मेरठ में जानते हैं क्या हुआ? देसी घुड़सवार वाले सैनिक थे, देसी का नाम हो गया भारतीय, भाई जहां देसी लग गया वहां क्या आ गया, भारतीय। तो भारतीय घुड़सवारों की एक टुकड़ी थी, एक सेना का संगठन था जो कि घुड़सवारी करती थी, और उस पूरे संगठन में भारत के लोग थे, तो इन भारतीयों ने सामूहिक रूप से विरोध कर दिया। भाई जहां पर कोई अंग्रेज अधिकारी ना हो, लगभग कुल भारतीय हो, तो वहां सोचने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ये मेरठ वाले पूरे भारतीयों ने क्या कर दिया, सामूहिक रूप से विरोध कर दिया। अब जब ये मंगल पांडे के समर्थन में मुर्शिदाबाद वाली घटना को लेकर के जब विरोध किए, सबको एक लंबी सजा सुना दी गई, सब 85 घुड़सवार वाले सैनिकों को सजा दे दी गई। अब सजा जब हो गई तो इनमें खरमंडल हो गया कि अरे भैया तामझाम तो अब फैल गया, अब हमारा क्या होगा, अब तो ये अंग्रेज हमको छोड़ेंगे नहीं, उल्टा सीधा सजा देंगे, मारेंगे पीटेंगे, तो एक काम करते हैं वैसे पिटाएंगे, वैसे पता नहीं क्या होगा, चलो सबको उड़ाते हैं। तो हर सैनिक ना अंग्रेजों को जहां देखता वहां गोली मारना शुरू कर दिया। ये देखिए क्या हुआ, 24 अप्रैल 1857
देसी घुड़सवार के 85 सिपाहियों ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। कितने सिपाहियों ने? 85 सिपाहियों ने। इन्हें लंबी सजा दे दी गई, इनको एक लंबी सजा दे दी गई। और उसके बाद क्या हुआ, 10 मई की बात कर रहे हैं, सजा देने के बाद लगभग, मतलब ये 24 अप्रैल को घटना हुई है, लगभग 10-15 दिन के बाद मई में, 10 मई को जानते हैं क्या हुआ, जो बचे कुचे सैनिक थे उनको मिला करके सब एक हो गए। अब जब सब भारतीय सैनिक एक हो गए तो 10 मई को इन्होंने मेरठ में खुला विद्रोह कर दिया। अब खुला विद्रोह का मतलब है कि जो मिले उसको धुनो, या तो अपने मारो या तो उनको मारो। तो भाई जब यहां पर खुला विद्रोह हो गया तो अब मरने मारने वाली घटनाएं शुरू हो गई। तो मेरठ से ये चीजें पूरे तरीके से सामूहिक रूप से शुरू हो चुकी थी। 10 मई को मेरठ में मारकाट करने के बाद ये लोग 11 मई को मेरठ से चले आए दिल्ली। कब आए? 11 मई को। 11 मई को दिल्ली पहुंचे और 12 मई को दिल्ली पर कब्जा हो गया। एक बात बताइए, किसी भी देश की सेना जब आक्रोशित हो जाती है तो उसका परिणाम बहुत ही भीषण होता है। सैन्य शासन अगर किसी देश में है तो वहां यकीन मानिए जो घटनाएं होती हैं मरने जरने वाली ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि सेना के जवान जो होते हैं वो मतलब कि दिमाग से, दिल से नहीं काम लेते, वो सिर्फ दिमाग से काम लेते हैं और उनका दिमाग भी बहुत तेज चलता है उसी क्षेत्र में। भाई गर्म खून रहता है, सैनिक हैं, सेना का जुनून एक अलग ही होता है। हम पुलिस वालों को तो मान लीजिए भाई पब्लिक को संभालना है, सबको कहना कि ये मत करो वो मत करो, यही सब चीजें हमको करना है। सोसाइटी में कोई गलत गलत काम करके आया उसको देखना है, तमाम चीजें हैं। बाकी वहां पर क्या है, अगर कोई वैसा मिल गया तो उड़ाना मारना पीटना यही सब चलता रहता है। क्योंकि भाई या तो अपनी जान गंवाइए या तो उनकी लीजिए, अगर वो कोई सामने वाला आक्रमण कर दिया तो यही चीज हुआ था। ये लोग 12 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिए, 10 मई को वहां से चले थे, 11 मई को दिल्ली पहुंचे, 12 मई को दिल्ली पर कब्जा। उस समय जानते हैं क्या था, बहादुर शाह द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। ये कहां है, ये बुढ़ऊ जो थे ना, काफी उम्र हो चुकी थी इनकी, 70 पार थे, ये बहादुर शाह द्वितीय हैं। इन सैनिकों ने देखा कि अरे भाई हम तो आए सबको मार के दिल्ली से हटा दिए, तो अब यहां कोई शासन करने वाला होना चाहिए ना, अब भाई राजा है उनसे बड़ा कौन पद पर होगा। तो ये बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बैठा दिया गया कि नहीं आज से आप ही हमारे राजा फिर से रहेंगे। आप मेरी बात को समझे, देखिए जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं ये इतिहास कहां से शुरू हुआ है, ये हमारी क्रांति कहां से, विद्रोह, ये विद्रोह शुरू कहां से हुआ है, कैसे कहां पर पहुंच रहा है। बंगाल से शुरू हुआ, बलिया का लाल मारा गया, घटना पहुंची मेरठ, मेरठ से क्या हुआ, दिल्ली पर कब्जा। अब ये दिल्ली पर कब्जा हुआ, धीरे धीरे यह पूरे भारत में फैल जाएगा। कैसे फैलेगा वो तो आगे की चीजें हैं, पहले हम दिल्ली पर देखते हैं दिल्ली पर क्या होता है। बहादुर शाह जफर जो है दिल्ली पर अधिकार कर लिए, शासन करने लगे सैनिकों की मदद से। उसके बाद क्या हुआ, जब 12 मई को दिल्ली पर मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया गया, इस दौरान अंग्रेज अधिकारी रिप्ले का रिप्ले बंद हो गया। भाई विद्रोह हो रहा, मार काट हो रहा, तो कोई मरबे ना करेगा। वह हारूसन और कैप्टन बाग थे, हारूसन बच गया था, कैप्टन बाग मर गया था। यहां क्या हुआ, रिप्ले, दिल्ली में कौन मारा गया, आप कहेंगे रिप्ले। यह विद्रोह जब दिल्ली पहुंचा था तो वहां पर अंग्रेज अधिकारी रिप्ले का रिप्ले ही बंद हो गया, ये काम से गया। तीन अंग्रेज अधिकारी आए जिसमें दो मरे, हारूसन बचा, इतनी चीजें तो आप जान चुके हैं। अब देखिए ये बहादुर शाह द्वितीय के ना एक सेना प्रमुख थे, कौन थे, सेना प्रमुख, हम इनका एक नाम लेंगे ना तो आप सभी लोग जानते हैं, दूसरा नाम लेंगे ना तो शायद 10% ही जानते हो, क्योंकि आप लोग अभी तक वही चीजें पढ़े हैं जो हर जगह समान रूप से देखने को मिलती हैं। यदि हम आपसे पूछे कि खान बहादुर खां इनका एक और नाम था, बताइए क्या था, अब आपने आप अपने दिमाग से सोचिए कि खान बहादुर खां का एक और नाम क्या था।
जो ये मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे, इनके सेना प्रमुख खान बहादुर खां थे, जिन्हें हम बख्त खां भी कहते थे। ये जो है आपके सेना प्रमुख बख्त खां या खान बहादुर खां, जो बख्त खां है ना, बरेली से सेना का नेतृत्व किए थे। अब आपके दिमाग में आएगा कि यहां पर बरेली कहां है, तो यही उत्तराखंड के आसपास लगभग इधर ही आपके पड़ता है बरेली। अब देखिए घटना कैसे फैल रही है, यूपी में इस घटना का विस्तार कैसे हो रहा है, आप नोटिस करते चलिएगा, आप एकदम देखते चलिएगा कि घटना कहां से कैसे पहुंच रही है। बरेली में खान बहादुर खां थे, वहां पर सैन्य नेतृत्व किए, वहां पर अंग्रेजों को मार के भगाए। फिर आप भाई दिल्ली के सेना प्रमुख थे तो दिल्ली रहेंगे ही। बहादुर शाह द्वितीय जब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था लगभग सितंबर में 14 तारीख को, 14 सितंबर को यह विद्रोह जो है ना अंग्रेजों ने दबाना शुरू कर दिया था। इस दौरान पूरे भारत में यह फैल चुका था, वो अलग की घटनाएं हैं, मगर अभी हम दिल्ली के बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो यहां दिल्ली वाला टॉपिक पूरे तरीके से क्लोज हो जाना चाहिए। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय मुगल सम्राट दोबारा बन गए थे, तो सितंबर में 14 तारीख को अंग्रेज अधिकारियों ने, अंग्रेज सैनिकों ने या अंग्रेजों ने भारतीयों को दमन, इनका दमन करना शुरू कर दिया, इनके खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर दिए सब। कब? लगभग सितंबर में। अब एक बात बताइए आप, जनवरी से घटना शुरू हुई थी, फरवरी मार्च अप्रैल हर महीने चली, लगभग जनवरी से लेकर के अगस्त तक या सितंबर तक भारतीय सैनिक अंग्रेजों पर हावी रहे। ये 5-7-8 महीने जो है ना भारतीय अंग्रेजों को मारते रहे, क्रांति की बात हम कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ, सितंबर में जब इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया अंग्रेजों ने, तो ये काफी तेजी से, भाई अंग्रेज थे उस समय, तो इनकी रणनीति जो थी ना बहुत सोच समझ के एकदम अच्छे से ली जाती थी। ये जब भी कोई काम शुरू करते थे तो उसमें साम दाम दंड भेद हड़प सहायक विलय तमाम नीतियां अपनाते थे। 6 दिन में ही इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 14 सितंबर को इन्होंने भारतीयों के खिलाफ दोबारा संघर्ष शुरू किया और 6 दिन में ही 20 सितंबर को दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर लिए तो वो जो सम्राट बने हैं उनका क्या होगा, भाई अंग्रेज दोबारा आ गए सत्ता पर, तो वो सम्राट जो बन गए थे सैनिकों द्वारा बना दिए गए थे, बुढ़े तो हो चुके थे 70-80 साल के, अब बताइए उनका क्या होगा। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को उनकी पत्नी जीनत महल दोनों के साथ गिरफ्तार करके रंगून भेज दिए, म्यांमार रंगून भेज दिए, जहां पर 7 दिसंबर 1762 में उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिएगा 14 सितंबर को जब ये विद्रोहियों के खिलाफ संघर्ष किए तो 6 दिन के बाद 20 सितंबर को दिल्ली पर इनका कब्जा हो गया। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय को पत्नी जीनत महल के साथ गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। ये घटना कैसे शुरू हुई, दिल्ली में आई, दिल्ली में ये सब कैसे कब्जा कर रहे हैं दोबारा अंग्रेज, इस दौरान जो है आपका रिप्ले मारा गया, अंग्रेज अधिकारी रिप्ले मारा गया। जम्मू कश्मीर में निकलसन भी एक मरेगा, अब ये तमाम चीजें आएंगी, बस आप समझते रहिए। जानते हैं जीनत महल और इनको जब रंगून भेज दिया गया तो भाई यहां पर तो मामला खत्म हो गया। इनके जो सेना प्रमुख खान बहादुर खान थे, जिन्हें हम बख्त खां भी कहते हैं, क्योंकि ये बरेली से सेना का नेतृत्व किए थे और दिल्ली से संबंधित थे, जब देखे दिल्ली पर अंग्रेजों का दोबारा कब्जा हो गया तो ये दिल्ली से भाग करके कहां चले गए, आप कहेंगे लखनऊ। यहां से बहादुर शाह द्वितीय के जो सेनापति थे, सेना प्रमुख थे, वो भाग करके लखनऊ चले आए। अब जो घटनाएं हैं इसके आगे कैसे फैलेंगी उसको देखा जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो दिल्ली में आपका कैसे विद्रोह हुआ, और ये जो बहादुर शाह द्वितीय थे, बेगम जीनत महल के साथ इनको रंगून भेज दिया गया, ये तो घटना है, आप समझ गए, मेरी बात को समझिएगा। हमारा जो भारत है, अगर इधर आपका कलकत्ता है, एक राजधानी कलकत्ता थी अंग्रेजों की, दूसरी कहां है, दिल्ली। कलकत्ता से विद्रोह कहां पहुंचा, दिल्ली। अब दिल्ली से विद्रोह पता है कहां पहुंचेगा, आप कहेंगे लखनऊ। यहां से विद्रोह यहां गया और यहां से यहां, समझिएगा मेरी बात को।
बंगाल में कलकत्ता से जो विद्रोह शुरू हुआ था, दमदम, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, उसके बाद ये विद्रोह मेरठ से होते हुए दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली पूरे भारत की राजधानी है, वह उस समय कलकत्ता थी और बाद में ये आपके हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विद्रोह हो गया है। अगर आपको समझना हो या इस विद्रोह को याद करना हो तो आप बस ये जानिए कि नहीं कैसे राजधानियों से होता हुआ गुजर रहा है। हमारे आज के वर्तमान भारत में बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो आप बस समझिए कि विद्रोह कैसे चल रहा है। विद्रोह कलकत्ता से मेरठ होते हुए दिल्ली गया था और दिल्ली से कहां चला आया है? लखनऊ आया है। वहां पर उन दोनों लोग को कब्जा करके भेजने के बाद, भाई रिप्ले था, रिप्ले मर गया था, बाकी उसके बाद जो दिल्ली में कब्जा कैसे किया इन्होंने, कौन कौन आए और क्या हुआ था जानते हैं। कश्मीर में अंग्रेजों की तरफ से निकरसन लड़ रहा था, जम्मू कश्मीर में अंग्रेजों की तरफ से निकरसन लड़ रहा था। ये सब, ये तो मर गया, निकरसन जो जम्मू कश्मीर गया था ये मारा गया, तो इसका काम तो खत्म हो गया। अब बात आती है दिल्ली की, तो हाई सर हेनरी बनाड और आपके ब्रिगेडियर विल्सन, ये नाम यदि आपको कठिन लग रहा हो तो सिर्फ आप इस पर फोकस करिए। बनाड और विल्सन, ये जो बनाड और विल्सन गए थे दिल्ली पर अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने, तो इनका नेतृत्व कमजोर साबित हुआ। बाद में किसको भेजा गया? सबसे हरामखोर वाला नाम है ये भारत के इतिहास का, आधुनिक भारत के इतिहास का या पूरे विद्रोह का सबसे ही घातक साबित हुआ, हडसन। इसने पूरे दिल्ली में एकदम खूनी रक्तपात मचा के रख दिया। जो आता था जैसे लड़ने सबको गोली मरवा देता था, एकदम खुला एकदम। हडसन का जो तौर तरीका था इन दोनों की अपेक्षा काफी सख्त था। यह आया, पूरे दिल्ली पर दमन कर लिया। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा जानते हैं क्या किया था इसने? सम्राट के जो दो पुत्र थे, मुगल और आपके ख्वाजा सुल्तान, बहादुर शाह द्वितीय के दो पुत्र थे, मिर्जा मुगल और ख्वाजा सुल्तान, उसके साथ में ये बकर उसका पोता था। बहादुर शाह द्वितीय का एक पोता कौन था? अबू बकर। अबू बकर, ख्वाजा सुल्तान और मिर्जा मुगल तीनों को दिल्ली के लाल किला के सामने खड़ा करके गोली मार दिया। कौन? हडसन। ये लाल किला के सामने सुल्तान के बेटे और उसके पोते, इन तीनों को गोली मरवा दिया। उसके बाद इसमें जानते हैं हडसन की मदद कौन किया था? अंग्रेजों की मदद करने वाला सुल्तान के रिश्तेदार थे, मुगल सम्राट और बहादुर शाह द्वितीय के जो रिश्तेदार थे उन्होंने ही अंग्रेजों की मदद की थी। वो मतलब होता है ना, घर का भेदी लंका ढाए, वही काम किए थे, विभीषण वाला काम। इनके हर तौर तरीके को कैसे क्या कर रहे, तमाम चीजों की जानकारी वो अंग्रेजों को देते थे। अंग्रेजों का काम ही था पहले उनकी कमजोरी पकड़िए भारतीयों की, फिर उसके बाद उन पर आक्रमण करिए, ताकि जब कमजोरी मिल जाती है ना तो जीतना आसान होता है। तो मिर्जा इलाही बख्श अंग्रेजों की मदद कर दिए, जिसकी वजह से बहादुर शाह द्वितीय और जीनत महल को रंगून जाना पड़ा गिरफ्तार होकर के, और साथ में इनके तीन दो बेटों और एक पोते, तीनों को हडसन गोली मरवा दिया। यहां से मुगल जो वंश था उसको भी वो समाप्त करने का पूरा प्रयास कर दिया और लगभग समाप्त कर दिया। अब जानते हैं क्या हुआ। जैसे आपको बताए थे हम कि बख्त खां वहां से भाग करके चले आए थे लखनऊ, जब दिल्ली में ये सब घटनाएं घट गई तो बख्त खां जो खान बहादुर खां थे वह भाग करके कहां आए थे? लखनऊ आए थे। मई में वहां पर घटनाएं चल रही थी, अब मई के बाद 4 जून को लखनऊ में विद्रोह हो गया। जब 4 जून को लखनऊ में विद्रोह हुआ तो यहां की शासिका थी बेगम हजरत महल। अवध या लखनऊ की शासिका कौन थी? बेगम हजरत महल। इन्होंने क्या किया ना, अपने छोटे बेटे, अब गोद में जो बेटा है उसको राजा बना दे, इतना मतलब सब राजा महाराजा का सबका अपना लालच था। इसीलिए यह विद्रोह सफल नहीं हुआ था, क्योंकि जनरली जितने भी राज्य थे, जितने भी शासक थे, सब सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने में लगे थे। ये जो डलहौजी की हड़प नीति चली थी, उस नीति के बाद पूरे राजा महाराजा एकदम मतलब परेशान हो चुके थे, और उसी की वजह से यह विद्रोह
बहुत तेजी से हुए पूरे भारत में। इन्होंने क्या किया ना, अपने सबसे मतलब गोदी के बच्चा जो है छोटा बच्चा है उसको राजा बना दिया, बिरजिस कादिर। इसका नाम क्या था? बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर को अवध की शासिका बेगम हजरत महल ने वहां का शासक नियुक्त कर दिया। और इतना ही नहीं, इसमें जो है ना उनकी मदद जमींदार से लेकर के हर मतलब हर वर्ग ने बेगम हजरत महल की मदद की थी। जनरली करते नहीं थे वो, अंग्रेजों का मदद करते थे, मगर यहां पर पता नहीं क्या सोच करके बेगम हजरत महल की मदद हर वर्ग किया था। कौन कौन है? किसान भी है, जमींदार भी है, सैनिक भी है। अब एक बात बताइए, यहां पर बेगम हजरत महल की मदद हर वर्ग कर दिया, सैनिक भी कर दिया, जमींदार भी कर दिया, और जमींदार के साथ किसान कर दिया, अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। तो हजरत महल के खिलाफ जो लड़ने वाले अंग्रेज अधिकारी थे हैवलाक आउटड्रम, ये हैवलाक और आउटड्रम इनसे जीतने का प्रयास किए थे मगर सफल नहीं हुए। ये दोनों बेगम हजरत महल के सामने नहीं टिक पाए। लास्ट में क्या होता है, इनकी असफलता के बाद कैंपबेल आएगा, कालिन कैंपबेल। अब देखिए आप क्रांति कहां पर पहुंच गई है, नवंबर 1857 में। नोट करिएगा इस बात को, जो क्रांति जनवरी में शुरू हुई थी ये लखनऊ में आकर के नवंबर महीना आ गया है। और इसी दौरान बीच में हर जगह क्रांतियां होती रही हैं, स्थानों को बदल बदल के। एक टॉपिक वाइज जब पढ़ा जाएगा ना तो घटनाएं जो हमको है ना, जैसे हम कलकत्ता बंगाल का पढ़े, उसके बाद दिल्ली का पढ़े, दिल्ली के बाद हम लोग लखनऊ पर क्या हो रहा है, लखनऊ की घटनाओं को पढ़ रहे हैं। यहां पर कौन अंग्रेज अधिकारी आ रहे हैं? दो आए हैं, हैवलाक है। कौन है? हैवलाक है, उसके बाद हैवलाक के साथ आउटड्रम है, हैवलाक के साथ आउटड्रम। ये दोनों तो सफल नहीं हुए। जब ये दोनों सफल नहीं हुए तो बाद में एक और आया, जानते हैं कौन आया? कालिन कैंपबेल आया। कालिन कैंपबेल, ये क्या हुआ कि जीतने में सफल हो गया, इसने लखनऊ को जीत लिया और बेगम हजरत महल मरी नहीं, वो लखनऊ छोड़कर के नेपाल भाग गई। वो क्या की? नेपाल चली गई। तो इस तरह से लखनऊ पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया, जिसमें दो व्यक्ति असफल हुए, जैसे कि दिल्ली में भी दो व्यक्ति असफल हुए थे। आप बस देखते चलिए, यहां दो व्यक्ति जब असफल हुए तो हडसन जिताया, और यहां दो व्यक्ति जब असफल हुए तो ये आपका कैंपबेल जिताया। आप इन घटनाओं को सिर्फ जोड़ते हुए टॉपिक वाइज जैसे जैसे हम नोट्स देंगे आपको टेलीग्राम पर, आप बनाते हुए बस एक बार इतिहास को पढ़ते चलिए। हर अंग्रेज अधिकारी को बनाट और विल्सन हारे हैं, बनाट विल्सन हारे, हजसन जीता, इसका मतलब यह घोर अत्याचारी रहा होगा भाई, इनके हारने के बाद आया है, इसका मतलब कि इसका दमन उनसे काफी ज्यादा रहा होगा, घातक। और ऐसे ही कैंपबेल का रहा होगा, ये भी रक्तपात खूब मचाया होगा, क्योंकि यहां पर किसान जमींदार सब हर वर्ग साथ दिया था रानी का, बेगम हजरत महल का। तो बेगम हजरत महल लास्ट में कैंपबेल से हार करके नेपाल भाग जाती हैं। ये हमारा तीन राजधानियों का इतिहास था। तीन राजधानियों के इतिहास को आप नोट्स बना करके बढ़िया से लिख लीजिएगा, और यकीन मानिए आप मन से पढ़ते रहिए, जल्द ही आपको करेंट अफेयर्स और रीजनिंग के क्लास मिले।